तो दोस्तों अब ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल हो चुका है, बिकॉज अभी हम लोगों ने पिट्सबर्ग प्रो में सबसे बड़े बड़े एथलीट्स को पोजिंग करते हुए देखा। ऑफ सीजन के शेप में हम लोगों ने उनको देखा कि वो किस तरीके से लग रहे हैं, उनका कैसा ऑफ सीजन जा रहा है। वहां पे हम लोग को थोड़ी बहुत कमी नजर आई हादी चुपन की, लेकिन अगले ही दिन हादी चुपन ने अपनी पोजिंग वीडियो डाल दी जहाँ पे वो भी काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक बॉडी बिल्डर की कमी थी, एंड्रू जैक। एंड फाइनली एंड्रू जैक ने काफी टाइम बाद अपनी फिजिक अपडेट अपने फैंस को दिखा दी है। लेकिन हम उनकी फिजिक अपडेट के बारे में बात करें उससे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप लोग को 2006 मिस्टर ओलंपिया के ऊपर वीडियो देखनी है, वो वीडियो बन के रखी हुई है। वो वीडियो इस चैनल पे तभी आप लोग को देखने को मिलेंगी जब हम लोग की कोई भी रिसेंट की वीडियो में एक दिन के अंदर अपलोड करने के बाद 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो ही बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक काउंट 500 तक पहुंचा दीजिए। चल हम लोग वापस से चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे एंड्रू जैक के अपडेट हम लोग को देखने को मिले, एंड जितने मैसिव यहाँ पे एंड्रू जैक लग रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वो 306 पाउंड्स के हैं, यानी कि तकरीबन 139-138 के बीच में है एंड्रू जैक। जितने मैसिव यहाँ पे लग रहे हैं एंड्रू जैक, शायद ही उस पोजिंग में कोई इतना मैसिव लग रहा होगा। ऊपर से एंड्रू जैक की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो उनकी लाइंस है, उनका शेप है, कमाल का शेप है एंड्रू जैक का। और उस ग्रुप के बीच अगर हम लोग एंड्रू जैक को देखते हैं तो शायद इस टाइम हम लोग की नजरें एंड्रू जैक के अलावा किसी और बॉडी बिल्डर पर ना पड़ पाती। यहाँ पे शुरुआत से ही एंड्रू जैक की बॉडी के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो हर एक बॉडी पार्ट एकदम आउटस्टैंडिंग था, बट हमेशा से उनकी बैक काफी ज्यादा पीछे रही है। लेकिन अगर हम लोग इस अपडेट में देखें, एंड्रू जैक की बैक काफी ज्यादा इंप्रूव नजर आ रही है, उनके आर्म्स भी बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहा है। लेकिन जो बॉडी पार्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा उनका शॉक कर रहा है वो उनके लेग्स हैं। एकदम मतलब ट्री ट्रंक्स जिसको कहते हैं ना, वो लग रहे हैं यहाँ पे उनके लेग्स, बहुत ही ज्यादा मैसिव और फुल। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि हम लोग ये कहें कि हाँ भाई बहुत ज्यादा फैट है इसलिए इतने बड़े लग रहे हैं, ना ना ना, अभी भी एंड्रू जैक हम लोग को सिंगल डिजिट बॉडी फैट में ही नजर आ रहे हैं, जिससे ये बात तो साफ है कि इस ऑफ सीजन में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं अपनी फिजिक एंड्रू जैक। एक और चीज बहुत ही डेंजरस है एंड्रू जैक के बारे में, वो ये है कि उनका जो प्रोफेशनल करियर, उनका जो कॉम्पिटिटिव करियर है वो इतना बड़ा नहीं है। अभी पिछले 2 सालों से उन्होंने कंपटीशन में लड़ना, कंपटीशन में खेलना शुरू किया है, और जिस हिसाब से अभी ही वो इतना टॉप पे पहुंच चुके हैं, मैं इस चीज की तो गारंटी दे रहा हूँ फ्यूचर में कभी ना कभी हम लोग को एंड्रू जैक मिस्टर ओलंपिया बनते हुए दिखेंगे। अभी उनकी फिजिक नोवेयर क्लोज टू पीक फिजिक पहुंची है, अभी उनकी फिजिक बहुत ज्यादा फ्रेश है, और जैसे जैसे वो शोज में कॉम्पीट करते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा उनकी मसल मैच्योरिटी में भी इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है। एंड्रू जैक सच्ची बताऊं मैं बहुत ही फिनोमिनल बॉडी बिल्डर है, यहाँ तक कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे तो वहां पे जब आर्नोल्ड क्लासिक हुआ था मैंने क्लियरली बोला था कि आर्नोल्ड क्लासिक में फ्रंट रनर जो मुझे नजर आ रहा है वो एंड्रू जैक है, बिकॉज वो अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आया था, और शो बाय शो एंड्रू जैक अपनी फिजिक को बेहतरी करते जा रहे हैं, और फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट होने वाला है एंड्रू जैक का। खैर फ्यूचर की अपडेट्स अगर आप लोग मिस ना करें तो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारी अगली अपडेट आती है एक और बहुत ही मैसिव सुपरस्टार बॉडी बिल्डर के ऊपर, जो कि हैं ब्राजील के रमोन डीनो। रमोन डीनो ने अपनी ये अभी फिजिक अपडेट डाली है जो कि एकदम करंट फिजिक अपडेट है। यहाँ पे काफी पेजेस के द्वारा ये चीज हम लोग को मालूम पड़ी है कि यहाँ पे जो इनका वेट है वो 114 केजीज पे है, जो कि बहुत ही ज्यादा जिस वेट पे वो खेलते हैं उस वेट से कंपेरिजन करें अगर हम लोग तो यहाँ पे 14 केजीज अबव है। लेकिन उनका शेप अभी भी वही मेंटेन होकर रखा हुआ, उनकी फुलनेस बहुत ही मैसिवली यहाँ पे इंक्रीज नजर आ रही है। उनकी कंडीशनिंग में उतना ज्यादा फर्क नहीं है आर्नोल्ड क्लासिक से, लेकिन जो फुलनेस में फर्क है वो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। और यहाँ पे ये डिबेट में उठ रही है कि क्या हम लोग को क्लासिक फिजिक में वेट कैप्स रखने भी चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, बिकॉज आफ्टर 14 केजीज ऑफ वेट यहाँ पे रमोन डीनो अभी भी एक्सट्रीमली क्लासिक नजर आ रहे हैं। 50 साल पहले इस फिजिक से काफी मिस्टर ओलंपिया जीत सकते थे रमोन डीनो। और ये डिबेट बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग वेट कैप हटा देंगे तो ये जो सब्जेक्टिव स्पोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, उसका जो ये कैटेगरी है क्लासिक फिजिक, ये और ज्यादा सब्जेक्टिव है, और अगर हम लोग वेट कैप हटा देंगे तो ये एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे किसको, क्योंकि देखिए अगर हम लोग वेट कैप हटा दें यहाँ पे एंड्रू जैक भी कॉम्पीट करके शायद क्लासिक फिजिक के मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, बिकॉज उनका जो शेप वो कंप्लीटली क्लासिक है। जजेस के सामने, IFBB ऑफिशियल्स के सामने ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन राइज हो रहा है कि हम लोग को क्या करना है वेट कैप का, बिकॉज हम लोगों ने काफी टाइम ये देखा है कि वेट कैप के अंदर आने में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है यहाँ पे एथलीट्स को। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बहुत मास मास्टर हो चुके हैं, नहीं, उन लोग अभी भी बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर कैरी कर रहे हैं, बहुत ही क्लासिक लाइंस कैरी कर रहे हैं, फिर भी वो लोग वेट कैप के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, स्पेशली जो थोड़ी कम हाइट के एथलीट्स हैं। बड़े हाइट के एथलीट्स को तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है यहाँ पे अनलीनियरली जो वेट कैप है उसमें इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन जिसको मैं कम अप कर पा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत जजेस को छोटी हाइट वाले एथलीट्स के लिए वेट कैप बढ़ा देना चाहिए,
बिकॉज अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे एक फ्रेंच डीनो नाम के भी बॉडी बिल्डर्स जो कुछ टाइम पहले ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। अब हम लोग अगर उनकी फिजिक देखें तो एकदम उनकी फिजिक हम लोग को बिल्कुल माइक मेंजर जैसे एथलीट की याद दिलाती है। इनके फोरआर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, आर्म्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, अमेजिंग टॉर्सो की मसल्स थी उनकी, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी भी दिन वेट कैप के अंदर नहीं आ पाएंगे। बिकॉज उस क्लिप में भी जो उनकी क्लिप बहुत वायरल हुई थी वहाँ पे बहुत ही कंडीशन नजर आ रहे थे, लेकिन उस क्लिप में वो 130s में थे जो कि बहुत ही हाई है उनकी हाइट के। खैर अब देखना ये इंटरेस्टिंग हुआ कि किस तरीके से यहाँ पे जजेस इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे जो थोड़े छोटे हाइट के एथलीट थे उनके लिए बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज पैदा होती जा रही है। इसको कुछ ना कुछ करके IFBB के ऑफिशियल्स को रोकना ही पड़ेगा जिससे खेल के साथ वो कॉन्टिन्यूटी और प्रेस्टीज बनी रहे। 5 दिन होने वाले न्यूयॉर्क प्रो के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो न्यूयॉर्क प्रो की कॉम्पिटिटर लिस्ट है ओपन बॉडी बिल्डिंग की वो आउट हो चुकी है, बड़े नाम हम लोग को नहीं नजर आ रहे। पिछली वीडियो में हम लोग ने बात करी थी टोनियो बटन की, यहाँ पे कुछ और अपडेट्स उन्होंने निकाली है जिसमें उनकी फिजिक बहुत ही ज्यादा ड्राई लग रही है, शायद अभी तक की वो बेस्ट फिजिक लाने वाले हैं स्टेज पे। लेकिन उनके अलावा इतने बड़े नाम हम लोग को यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं नजर आ रहे। उनके अलावा जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे दिख रहा है वो है मैक्स स्टार्स, बट उनको भी मैं इतना बड़ा एथलीट नहीं कहूंगा। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि न्यूयॉर्क प्रो एक बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही हाई टीयर का शो है। अब वहाँ पे कम से कम कंपटीशन जो हो वो थोड़ा टाइट हो, थोड़े बड़े एथलीट्स हमें लड़ते हुए नजर आए तो एक्साइटिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे उतने बड़े एथलीट नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी छोटे एथलीट भी कभी कभी हम लोग को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटन दिखा देते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटन किन्हीं दो बॉडी बिल्डर्स के बीच में देखने को मिले। अब यहाँ पे एक और बॉडी बिल्डर है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है स्टुअर्ट सदरलैंड, या फिर उनका इंस्टाग्राम पे नाम है बीफ स्टू। कुछ दिन पहले ही हम लोग ने उनको गेस्ट पोजिंग करते हुए देखा था जब वो हंटर लबराडो के साइड में खड़े हुए थे। वहां पे काफी लोगों ने ये चीज नोटिस की कि हंटर लबराडो को कम्प्लीटली आउट मसल आउट मैच कर रहे हैं वो स्टेज पे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल्स का भी खेल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ही बड़े लग रहे थे हम लोग को बीफ, जिसके चलते हम लोग शायद उनको काउंट आउट नहीं कर सकते इन टॉप एथलीट्स की गिनती में। क्या पता वो बिगेस्ट अपसेट दिखाएं और शायद वही शो जीत जाए, बिकॉज उनकी रिसेंट की अपडेट्स भी हम लोग देखें वहाँ पे वो भी बहुत ही कंडीशन नजर आ रहे हैं। उनकी बैक एक थोड़ी वीक पॉइंट नजर आती है थिकनेस के मामले में, डिटेल्स तो है लेकिन थिकनेस वो नजर नहीं आती यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है उनका शेप काफी फिनोमिनल है, उनकी फिजिक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस नजर आ रही है। ऊपर से जो ये गेस्ट पोजिंग हुई थी जहाँ पे हम लोग को हंटर लबराडो के बिसाइड वो नजर आए थे, उस इवेंट की वजह से यहाँ पे उनकी हाइप थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। अब अगर वो ये शो में टॉप 3 प्लेस हो गए तो शायद उनकी हाइप उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर अगर आप लोग ये चीज मिस नहीं करना चाहते हैं कि क्या होने वाला है उस शो में तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग का ये लाइक एम है 500 लाइक्स का, उसको मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज की थोड़ी छोटी वीडियो थी लेकिन अच्छी बात है, तब तक के लिए बाय।